नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम आइस क्यूब यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर का प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म के तरफ से आता है। प्लेटफॉर्म के तरफ से जो इंटर का प्रैक्टिस सेट आता है उसको देखने वाले हैं और सेट वन देखने वाले हैं। इसमें इस वीडियो में टोटल 24 सेट का प्रैक्टिस सेट आता है जो वॉल्यूम वन है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे जीके जीएस हो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैथ का कुछ फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे, मैथ सॉल्व नहीं करेंगे, नॉर्मल कुछ फॉर्मूला और रीजनिंग का आंसर हम बता देंगे। आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। चलिए, आप इस पीडीएफ के लेने के लिए इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। डेली सुबह 9 बजे खुशबू मैम के द्वारा यहाँ पे क्लास लिया जाता है जो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल होता है। इसमें हम लोग एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टेस्ट वन का क्वेश्चन नंबर वन। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। चलिए ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से और पेन का थोड़ा सा पतला कर लिए। चलिए, बोल रहा है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया, या किसके द्वारा जारी किया गया था चांदी का सिक्का और बाद में इसका जो नाम है वो रुपए नाम दिया गया। तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी के द्वारा 2 सिक्का जारी किया गया था। एक सिक्का जारी किया गया था रुपया, ठीक है, क्या रुपया जो क्या चीज का होता था, चांदी का होता था, चांदी का रुपया होता था। और यह कितने ग्रेन का होता था, इससे क्वेश्चन आता है, 178 ग्रेन का होता था, ग्रेन होता है, ठीक है, यहाँ पर ग्राम समझिए ग्रेन होता है। और एक इन्होंने तांबा का दाम इन्होंने रिलीज किया था, दाम, ठीक है, दाम यह कितने ग्रेन का होता था, 380 ग्रेन का होता था और जो दाम होता था वो क्या चीज का, तांबा का होता था, ठीक, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, इसके लेखक है शिव खेड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर जो है, शिव खेड़ा है यू कैन विन के लेखक। संदीप महेश्वरी कौन है, तो ए फोटोग्राफर है, प्रसिद्ध फोटोग्राफर मोटिवेटर है, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दीपक कर्माकर जो है वह पूर्व जिम्नास्ट है, भारतीय जिम्नास्ट है और यह त्रिपुरा से रहने वाली है, ठीक है। तो ये जिम्नास्ट खेल से संबंधित है, याद रखिएगा दीपक कर्माकर। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था द स्मॉल वंडर, क्या लिखा गया था, द स्मॉल वंडर पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, दीपक कर्माकर के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को विरासत स्थल सोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है, सोर मंदिर कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। सोर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। यह यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1984 में शामिल किया गया था और यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, कहाँ पे, महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में यह मंदिर स्थित है, सोर मंदिर, इफेक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसको किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन के साथ जो राजा थे वह बनवाया गया था, उनके द्वारा बनवाया गया था, पल्लव वंश के जो नरसिंहवर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था, सोर मंदिर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, बोला भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 10 प्रकार की निधियां प्रदान करता है, भारतीय संविधान जो है वह केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। या 3 प्रकार की निधि कौन कौन सी है, एक संचित निधि है, भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिक निधि, ये 3 प्रकार की निधि प्रदान करता है कौन, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को। और इसमें से जो संचित निधि है वह संविधान के 266 अनुच्छेद में है। ओके, जो लोक लेखा है वह 266(2) में है, किसमें, 266(2) या 266(b) में है। और जो आकस्मिक निधि है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, यह कौन सी है, तो यह है रिफाइनरी उत्पाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधारभूत उद्योगों के लिए 8 जो है आधारभूत उद्योगों के सूचकांक के लिए 8 उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसका उपयोग किया जाता है। और वह 8 उद्योग कौन कौन सा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट और बिजली है, ठीक है, ये टोटल 8 उत्पाद है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, जैसे ए हो गया भारत का मैप, यानी पूर्व मतलब नहीं है, यानी पश्चिम में बहने वाली नदी कौन है, तो वह नर्मदा नदी है जो पश्चिम में बहती है, ऑप्शन बी राइट आंसर देगा।
बाकी कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी कहाँ बहती है? सब पश्चिम की तरफ बहती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये दो दो पहाड़ी ठीक है, एक विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के बीचों बीच, विंध्य और सतपुड़ा के बीचों बीच यह नदी बहते हुए जाकर खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात को, मध्य प्रदेश और गुजरात का जीवन रेखा बोलते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया गुजरात में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नई लोकसभा निर्वाचित तो होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो जो वर्तमान नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद अगर जो वर्तमान लोकसभा चल रहा होता है उसको खत्म करना होता है, उसका जो अंतिम सत्र होता है उसको लेम डक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? लेम डक के नाम से जानते हैं। ओके। और प्रोटेम क्या होता है? प्रोटेम जो होता है, यह प्रोटेम जो अस्थायी अध्यक्ष होता है, लोकसभा या विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटेम बोलते हैं। ये फैक्ट याद रखिए। कोरम क्या होता है? तो जो 10% होता है, जितने भी लोकसभा उसमें सदस्य हैं उसके सदस्य के कुल सदस्य का जो 10% है वह उपस्थित होना चाहिए, इसको हम लोग कोरम बोलते हैं। पीठासीन अधिकारी समेत कुल जो सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है कोरम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का डैश में स्थित है। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यह किस चीज के लिए फेमस है? तो इसको हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको भारत या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कहाँ? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ये बने थे बंगाल के। ओके, पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर भी यही थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे, वारेन हेस्टिंग। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको बनाया गया था। इन्हों वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही 1781 में कलकत्ता मदारसा की स्थापना किया गया था और 1784 में इन्हीं के शासनकाल में, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। ओके, इनका कार्यकाल 1772 से फिर 1784 और 1785 के आसपास इनका शासनकाल रहा था और यह कलकत्ता के सभी जिलों में, वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता के सभी जिलों में दीवान और फौज, दीवान का और फौजदारी अदालत की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इनसे दो और फैक्ट याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के शासनकाल में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यह 1775 से 1782 के बीच हुआ था और जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1780 से 84 के बीच हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है इसके अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 73 जो है कार्यपालिका के शक्ति से संबंधित है। किससे? कार्यपालिका के शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 73। और मंत्रियों और महान्यायवादी संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो यह महाभियोग की प्रक्रिया है यह किस देश से लिया गया? महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, आए आपको बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत पहले से जो हमारी परंपरा रही है पंचायती राज व्यवस्था जो है यह बहुत पहले से हमारी सभ्यता संस्कृति में आते रही है। बी नंबर ऑप्शन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
अगस्त 1993 को प्रभावी हुए। नहीं ये गलत है, 15 अगस्त नहीं, यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और उस दिन से प्रभावी हुआ। तो ऑप्शन बी जो गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह बोल रहा है सी नंबर ऑप्शन है, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। बिल्कुल सही बात है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी और इसको लागू किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। बिल्कुल ये भी सही बात है, तो ए सी डी सही है और बी जो है यह गलत है। यहाँ पे जो 73वां संविधान संशोधन है 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो यह मेरा गांव मेरा गौरव योजना प्रारंभ किया गया था। कब? 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, भारत दुनिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या का पूर्णांकित करें। तो जो निकटतम जो एग्जेक्ट आप देखेंगे तो कितना है, 2.42% है। तो निकटतम बोला है तो निकटतम यहाँ पे कौन सा है, 2 है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। और जनसंख्या में भारत दुनिया में नंबर 1 पे स्थान है, क्षेत्रफल में भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है, 7वां स्थान है। जो बाकी के 6 देश कौन कौन से है, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA है, चाइना है, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। और जनसंख्या के मामले में भारत जो है वह दुनिया में कितना प्रतिशत, भारत में जनसंख्या है दुनिया का 17.5% जनसंख्या है भारत में, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सेठ। नेक्स्ट है अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? यानी सिंपल, जाम्बिया की राजधानी क्या है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में बमाको, बमाको जो है वह माली का राजधानी है। डकार, डकार किस देश की राजधानी है, सेनेगल की, सेनेगल की राजधानी कौन है, डकार है। और हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी, कहाँ किसकी, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन आएगा और मैथ का क्वेश्चन आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 622 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाना कैसे है, तो 24 में अगर आप यहाँ से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस कीजिएगा तो 70 आएगा, इसी पैटर्न पे बैठेगा, ठीक है, इसको बना के चेक कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आप बनाइए और इसका आंसर जो होगा 910 होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके बना लीजिए और उसके बाद आप अपना आंसर यहाँ से मिला लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ से संबंधित है तो छत्तीसगढ़ कहाँ से संबंधित है, या रायपुर से संबंधित है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजधानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। जो बिल्कुल इजी होगा, जो मतलब डायरेक्ट बताने वाला होगा उसको बता देंगे, जो थोड़ा सा बनाने वाला होगा वो आप खुद बना लीजिए, काफी इजी होता है। चलिए यह 19 नंबर क्वेश्चन है, ये बैठने वाला है दाएं छोर से 17वां स्थान पे बाएं छोर से, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता की माँ, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से है और इसको आप बना लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है इससे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एस जो है या जे से किस तरह संबंधित है, तो एस का कितना होता है, एस का 19 होता है, ठीक है, एस का 19 होता है और जे का क्या होता है, 10 होता है। तो यह एस कैसे आया हुआ है, ठीक है, इसमें कैसे आया हुआ है, तो अगर 10 में यहाँ पे 10 में क्या कीजिएगा, 10 में अगर आप वो 19 जैसे है, 19 में एक जोड़ते हैं, 19 में जैसे 19 है तो 9+1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1+9, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इस पैटर्न पे बैठेगा। यानी जो इसका एग्जेक्ट जो नंबर आएगा उसी के नंबर के डिजिट को ऐड करना है तो वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी का क्या होता है, 20 होता है, तो 2+0 कीजिएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे बी है, इस पैटर्न पे बैठेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, HFCED, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी पैटर्न पे इसको बना लीजिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें आपको बनाना है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 45 हो जाएगा, इसी पैटर्न पे बनेगा। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और दोनों को ऐड कीजिएगा
तो 205 आएगा, जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। चार संख्या समूह दिए गए, इनमें से तीन प्रकार किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का यहाँ पे चयन करना है, असंगत का चयन करके आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 36, आप यहाँ पे बना के देख लीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है, तो ये आप काउंट कर लीजिएगा और यहाँ जो आकृति यहाँ पे दिए गए हैं इसमें कितने वर्ग है, तो सिंपल ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर ऊपर से आप देखिएगा तो 1 2 3 4 है, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आप इसको बना सकते हैं, फिर यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनेगा ऐसे, तो आप ऐसे ऐसे फिर इसको काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट करने पे ये कितना आएगा, टोटल काउंट करने पे टोटल 34 इसमें है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरी तरह से इसमें बैठ जाएगा, तो यह कौन सा आकृति है जो इसमें पूरी तरह से बैठ जाएगा, तो ये आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे है एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ सर्कल है तो यहाँ प्लस का है, तो ये इसके सामने जो भी होगा उसमें क्या होगा, इसमें प्लस होगा। सबसे पहले ये देखिए प्लस किसमें किसमें है, प्लस ए और बी में है, तो डी और सी को काट दीजिए। अब देखिए अंदर क्या है, इस गोले के अंदर जो यहाँ पे गोला है, गोले के अंदर क्या है, तो गोले के अंदर इसमें क्या है, दो सर्कल होगा, जैसे इसके अपोजिट है, यहाँ पे सर्कल है तो इसमें यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो यहाँ पे सर्कल होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन को हम लोग जूम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा से दिखेगा आप लोगों को। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। हम थोड़ा यहाँ पे फास्ट बता देते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 17, 28 नंबर क्वेश्चन का ए 246 हो जाएगा और 29 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा जो पहाड़ और सुरंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नदी क्या है, नदी जो है वह पुल, नदी को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है, तो पहाड़ को पार करने के लिए सुरंग बनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है, हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निहित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा 3465। अब मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बोल रहा है यहाँ 1440 आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5856 और 34 नंबर क्वेश्चन का बी यानी 70 आंसर हो जाएगा और 35 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी 18 हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 32.5, ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 843 हो जाएगा। 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर होगा 13400, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर देखिए, अब 41 जो है यह किसका, फिजिक्स का यानी साइंस का क्वेश्चन आएगा। बोल रहा है एक कांच के ग्लास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा, यानी जो तापमान है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन को सही दर्शाता है, वह कौन सा ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पे जो गर्म पानी है उस ग्लास को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वह क्या होगा, उसका कम होगा, और धीरे धीरे जो पानी गर्म है वो पहले ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, बर्फ में बदल जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी के आसानी से देखा जा सकता है, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश है। लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है, तो ये देख लेते, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, नहीं, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन नहीं होता, सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैगनी कलर का होता है सर्वाधिक प्रकीर्णन, ठीक है, किस कलर का, बैगनी कलर का। और धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, न्यूनतम प्रकीर्णन जो होता है ये सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होता है, जो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है यह लाल रंग का होता है, जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, जिसके कारण इसका जो वेवलेंथ होता है यह बहुत ज्यादा होता है और यह ज्यादा दूरी से इसको देखा जा सकता है, इसका जो है वह बहुत दूरी तक इसको देख के और आप खतरों से बच सकते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है उसका तरंग दर्द क्या होता है, उसका तरंग दर्द सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा।
यानी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का द्वारा समझाया नहीं गया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा कौन सा जो इसमें फैक्ट है वो आपको समझाया नहीं गया, तो वह जो है ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, जो ग्रह है इसके चारों ओर जो सूर्य की गति है इसको गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता के निरूपित करता है, कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो जो क्रिया वोल्टता बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, ए होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उस कहलाते हैं, गुण सूत्र जिसमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एसेंट्रिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एसेंट्रिक उसे हम लोग बोलते हैं। ओके, और जो ऐसा गुण सूत्र किसी एक किनारे पर जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, उसको क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। और जब गुण सूत्र जो है ऐसा स्थान हो जहाँ पर गुण सूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है उसे हम लोग मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। और एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, तो गुण सूत्र का भाग बड़ा, दूसरा एक भाग बड़ा होता है और दूसरा भाग जो होता है वह छोटा होता है, तो उसे हम लोग एक्रोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जो प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो है वह कर्निया पे होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, कहाँ पे, कर्निया पे होता है। 47 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोल रहा वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से चार विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करता है तो वह तिरछी आपतित किरण, जो किरणें का आपतित किरण की दिशा जो है वो समानांतर निर्गत करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये प्रवेश की थोड़ा सा तिरछा हुई और फिर ये समानांतर हो गई इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक लेंस से संबंधित दो क्वेश्चन याद रखिएगा। लेंस जो होता है इसमें दो, एक अवतल लेंस होता है, क्या होता है, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है वह कौन सा, तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है वह गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अल्केन को दर्शाता है, अल्केन को कौन सा दर्शाता है, तो ए होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसके क्या बोलते हैं, अल्किन बोलते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था, कनौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और कनौज का जो युद्ध है यह इसे हम लोग बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और इसमें हुमायूं पराजित हो गया था। उसके बाद 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा जो सूर वंश का स्थापना किया गया था यह द्वितीय अफगान वंश का स्थापना किया गया था। शेरशाह के द्वारा भारत में द्वितीय अफगान वंश का स्थापना किया गया था। जो प्रथम अफगान वंश का स्थापना है यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह लोदी वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, वह सरगैसो सागर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सरगैसो सागर जो है यह किस टाइप का, तो जो सरगैसो सागर है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसके चारों ओर जो क्या है, जलधारा है, समुद्री जलधारा है इसके चारों ओर। और इसके किनारे पे एक जो घास का मैदान, घास जो है वह तैरते रहता है इसके किनारे पे, जिसको जो पुर्तगाली भाषा में क्या बोला जाता है, इसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम बोला जाता है, उसी पे इस सागर का नाम सारगैसो सागर रख दिया गया है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफार खान के द्वारा ही
खुदाई खिदमतगार जो है संस्था का स्थापना किया गया था, और खुदाई खिदमतगार संस्था के द्वारा ही एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। और खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना 1929 में किया गया था, और ये पहले गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, जिसको भारत रत्न दिया गया था पहले गैर भारतीय थे, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। बाद में इनके द्वारा दो पत्रिका निकाला गया था खान अब्दुल गफार खान के द्वारा, एक पख्तून और दस रोज। पख्तून और दस रोज पत्रिका खान अब्दुल गफार खान के द्वारा यह निकाला गया था, और जब आजादी हो रहा था आजादी के समय 1947 में इन्होंने पख्तूनिस्तान का मांग किए थे, इसके लिए आंदोलन चलाए थे खान अब्दुल गफार खान। 55 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो घास के मैदान है उसे पंपास घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी यहाँ पे और घास के मैदान है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो है वेल्ड घास के मैदान है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाया जाता है, यह अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, मतलब बहुत सारे देश के अफ्रीका के बहुत सारे देश में पाया जाता है। पियरी जो घास के मैदान है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका देश में जो है पाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है, किस देश में है, तो वह ब्राजील में है। ऑप्शन ए राइट आंसर, ब्राजील में जो है वह सबसे अधिक सबसे जो जनसंख्या घनत्व का सबसे कम है, कितने लोग रहते हैं, तो जो लैटिन अमेरिका का जो ब्राजील है इसमें 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ओके, कोलंबिया में कितना है, कोलंबिया में 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इक्वाडोर में 71 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वेनेजुएला में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, जो लाल किला था यहाँ पे लगभग 200 वर्षों तक जो भारत के मुगल सम्राट थे ये निवास का स्थल इनका रहा था। जो लाल किला है वह शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में बनवाया गया था। 1638 ईस्वी में किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, तब से मुगल शासक जो है जो भी शासक है इसी में निवास करते थे, और जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जिनको 1857 की क्रांति में रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, वहां पे बंद कर दिया गया था, जहां 1858 में इसकी मृत्यु हो गई थी वहां वर्मा के रंगून जेल में ही, ठीक है। तो ये बहादुर शाह द्वितीय तक यहाँ पे लगभग 200 साल तक यहाँ पे जो है वह मुगल शासक के सम्राट यहाँ पे निवास किए लाल किला में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल की मुद्रा है नई सेकेल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नई सेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नहीं ये चलिए ये जो है यह गलत है, ठीक है। भारत में जो है छोटे रेशे वाली कपास की उत्पादन केवल छोटे रेशे वाली का सर्वाधिक उत्पादन होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए जो भारत में गुजरात प्रमुख राज्य कपास उत्पादन राज्यों में से एक है, ये बिल्कुल सही है। कपास की खेती के लिए मतलब ये सही बात है, आंसर जो होगा ये आंसर होगा, जो गलत होगा वो आंसर होना चाहिए। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है, ये बिल्कुल सही है। और इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में होते हैं, ये भी सही है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, कौन सी नृत्य शैली, तो लावणी जो है वह राजस्थान से संबंधित नहीं है नृत्य शैली, ये कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित है। बाकी कालबेलिया घूमर और गोनकौर ये कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। जो हाल ही में एमटीएस का एग्जाम हुआ था सितंबर में, इसमें कालबेलिया से संबंधित क्वेश्चन आया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, देवगढ़ का जो दस अवतार मंदिर है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और किस भगवान का मंदिर है, यह विष्णु भगवान को समर्पित यह मंदिर है, विष्णु भगवान को समर्पित जो है यह मंदिर है, ठीक है। दस अवतार मंदिर जो गुप्त काल के शासन काल में बनवाया गया था, गुप्त काल के शासन में यह बना हुआ था।
मध्य प्रदेश में भी दो मंदिर हैं जो गुप्त काल से संबंधित है। जो दो मंदिर हुआ कौन कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो एक है तिगवा मंदिर जो विष्णु भगवान से संबंधित है, और एक वो घुमरा मंदिर जो शिव मंदिर है। जो दोनों जो मंदिर है वो गुप्त काल के से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, या कपिल को दिया जाता है, कपिल ऋषि को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कनाद ऋषि के द्वारा क्या दिया गया था, तो वैशेषिक दर्शन दिया गया था। किसके द्वारा? वैशेषिक दर्शन जो है वो कनाद ऋषि के द्वारा दिया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, 1885 में किया गया था। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था इसका गठन। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, डफरिन थे। कौन थे वायसराय भारत के? डफरिन थे, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूले बने थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था। ये जो प्राचीन ग्रंथ है भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त क्या थे, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और जो ब्रह्मपुत्र सिद्धांत जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय पुस्तक लिखा गया था, और इसमें सूर्य की यह बताया गया कि जो सूर्य स्थिर है पृथ्वी घूमती है, ये बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। चलिए, जो गणित का एक फेमस पुस्तक है लीलावती, क्या है, गणित का एक फेमस पुस्तक है लीलावती, जिसकी रचना भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा किया गया था। इफेक्ट याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय जो है या सिंधु और सतलज के बीच स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो पंजाब हिमालय, देखिए चार हिमालय को जो है वह चार प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, नदियों के हिसाब से। एक होता है पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय जो है इसकी लगभग लंबाई 560 किलोमीटर है, और यह किन दो नदियों के बीच, सिंधु एंड सतलज के बीच स्थित है पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है 320 किलोमीटर की है, और यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय है, यह 800 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा बड़ा यही है नेपाल हिमालय, और यह काली और जो है यह तीस्ता नदी के बीच स्थित है। फिर आता है असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा है, और यह तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। फैक्ट याद रखेगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, किसको हरा के, श्रीलंका को हरा के, ठीक है, श्रीलंका को हरा के। इसका आयोजन हाल ही में चाइना में किया गया है, कहाँ पे, चाइना में किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है। जो सोन नदी जो है वह बिहार में रोहतास से प्रवेश करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, ठीक है, अमरकंटक से पहाड़ी से निकलता है, और बिहार में रोहतास जिले से प्रवेश करते हुए पटना के समीप आके गंगा नदी में मिल जाता है। पटना के समीप आकर कहाँ से, गंगा नदी में मिल जाता है। और जो सोन नदी है, ठीक है, यह जो गंगा नदी में दाहिने तरफ से मिलता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। बिहार में एक रामसर साइट है, जो बेगूसराय का जो कांवर झील है, कांवर ताल झील है, यही एकमात्र रामसर स्थल है बिहार में, ठीक है। टोटल भारत में रामसर स्थल कितने हैं, 75 रामसर स्थल है टोटल जो भारत में है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, ठीक है, और सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, डैश द्वारा फतेहपुर सिकड़ी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। जो फतेहपुर सिकड़ी है यह मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी में किसका, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अकबर जो है यह फतेहपुर सिकड़ी को राजधानी कब बनाया था, 1571 ईस्वी में बनाया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, 1571 ईस्वी में इसका राजधानी बनाया था, कौन, अकबर, फतेहपुर सिकड़ी को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। कितनी नहीं हो सकती है, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वह उससे 15% से अधिक नहीं हो सकती, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो मंत्रिपरिषद जो है वह मंत्रियों की जो कुल संख्या है
उसमें 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये यहाँ पे संविधान के द्वारा यह प्रधानमंत्री सहित ये निहित किया गया संविधान में, ठीक है। चलिए कब ये बताया गया था, तो जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उस टाइम यह निर्धारित किया गया था। और जो छोटे राज्य हैं उसमें कितने 12 मिनिमम यानी मिनिमम जो है वह 12 मंत्री हो सकते हैं छोटे राज्य में, बाकी लोकसभा और विधानसभा में या जो बड़े राज्य हैं उसमें जो टोटल जो सदस्य हैं उसके 15% तक मंत्री रह सकते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद जो है किसका वो प्रतिनिधि उत्तर प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद। 73 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जो किसका सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और इसको यह पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। कब किस ईस्वी में थे, 305 ईस्वी में, ठीक है, 305 ईस्वी में किया गया था। बाद में सेल्यूकस निकेटर जो अपनी बेटी थी कार्लेनिया, कौन बेटी का नाम क्या था, कार्लेनिया, उसका विवाह करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। और यहाँ पे एक अपना राजदूत रख के गया जिसका नाम है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट है, चलिए और इसमें क्या होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर के बीच और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो लड़ाई हुआ था इसका जानकारी हमको मिलता है एपियानस नामक पुस्तक में, और एपियानस नाम प्लूटार्क के द्वारा यह बताया गया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह सेल्यूकस निकेटर को 300 हाथी जो है उन्हें 300 नहीं 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। और जो सेल्यूकस निकेटर है या चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये जो चार जगह है जो कुछ अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान में है, इसको कहाँ दिए थे, तो इसको सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को भी ये पुरस्कार यानी जो है गिफ्ट के रूप में दिए थे, दहेज के रूप में। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जो 15वां भाग है यह निर्वाचन से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 324 से 329 संबंधित है। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन भारतीय संविधान का भाग 20 में अनुच्छेद 368 से संबंधित है, आपातकाल जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 तक संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है, भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर, जैसे ए है, ए हमारा भारत का मैप है आप देख सकते हैं, ठीक है, एक बार थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, ए जो है भारत का मैप है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ए जो है यहाँ पे कोरोमंडल तट होता है, जो तमिलनाडु का जो यहाँ पे तट होता है इसको कोरोमंडल तट हम लोग बोलते हैं, और ये भारत क्या है, भारत के नीचे यानी दक्षिण में है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि वह भारत के दक्षिण में किस दिशा में है, तब यहाँ पे पूर्व में होता है, क्योंकि पूर्वी तमिलनाडु के तट पे इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है, दुमहल किसका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर का है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हुआ क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत पे बैक टू बैक दो युद्ध लड़ना पड़ा था भारत को, एक 1962 में चीन का जो अटैक था वह झेलना पड़ा था, 1962 में चीन का अटैक, और फिर 1965 में वह 1965 में किसका, तो 1965 में देख पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना था, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वह 1961 से लेकर 1966 तक था। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का योजना अवकाश रखा गया, जो 1966 से 1969 तक रहा। ओके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की प्रावधान की गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, गोरा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति सुमेलित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है, वह कौन सा है, तो वह जो है बाजार और मेले हैं, यह 7वीं अनुसूची के राज्य सूची से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रेलवे, प्रत्यर्पण, युद्ध और शांति, ये सब किससे संबंधित है, यह केंद्र सरकार से संबंधित निसंग सूची के विषय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है,
भारत ने जीता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, गीता प्रेस गोरखपुर को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, LVM3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, इसका था यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यूनाइटेड बाई इमोशन। 85 नंबर क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, जो महिला उद्यमिता दिवस है यह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन जो है वह फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, अब इसका भी हम लोग केवल आंसर देखेंगे, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर होगा पेंटर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, ये 87 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन चेंज करके आपको बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये जो है डेट से संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आंसर सी हो जाएगा, यह दर्पण छवि से संबंधित है। 90 नंबर क्वेश्चन जो है यह पाशा से संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, गुना और जो भागा हुआ है इसको बदलने पर आंसर आपका 50 आ जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है जो है, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, यह कौन सा इसमें पिक्चर जो है वो सुटेबल बैठेगा, जो डी नंबर है यह सुटेबल बैठेगा, ठीक है, डी नंबर क्या होगा, सुटेबल बैठेगा। कैसे, तो ए पहले इधर के तरफ घुमा हुआ है, फिर ये रोटेट होकर ऊपर के तरफ घूम गया, फिर ये रोटेट होकर इधर इस दिशा में घूम गया, तो फिर एक बार रोटेट होगा तो यह नीचे के तरफ ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2011 को सप्ताह कौन सा दिन था, तो सप्ताह का कौन सा दिन था, 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यह शुक्रवार था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बी हो जाएगा। 89 97 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आई आंसर हो जाएगा, आई। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी ए का पोता या नाती है, ए आंसर हो जाएगा, किसका, 98 का, 99 का बी ए हो जाएगा, नट बादाम से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी विशिष्ट कूट भाषा में ग्रेट को इतना लिखा जाता है, तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या लिखा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 102 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 103 का भी आंसर ए हो जाएगा, एल हो जाएगा। 104 का आंसर क्या होगा, तो बी होगा, स्वास्थ्य होगा, ठीक है, मधु जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, योग भी स्वास्थ्य से ही संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 105 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए सी का मामा या मौसा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4। और 107 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, चलिए ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 108 हो गया, 109 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉरी 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, 107 का ये हो गया, 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एम जी हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। 109 का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है, तो दुधिया नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 110 का आंसर डी हो जाएगा, 2015, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 110 का आंसर डी हो जाएगा। इसमें क्या है, जो संबंधित नहीं है बाकी तीनों से, तो उसको आपको चयन करना है। 111 नंबर क्वेश्चन है, 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी डी हो जाएगा, जे यू। देखिए ए सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसमें क्या पूछ रहा है, आर का पूछ रहा है, ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं, इजी है, तो आर का, इसमें जैसे टुमारो टुमारो यहाँ पे कट गया, लेट लेट यहाँ पे कट गया, ठीक है, अब यहाँ पे कम बचा, यहाँ पे यू यू कट गया, ठीक है, यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे आर बचा, यहाँ पे क्या बचा, कम बचा, तो आर बचा, तो आर का यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे टुमारो है, जो यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, ई टी यूज किया गया, तो ये कट गया। लेट यहाँ पे लेट के लिए क्या, एफ यूज किया गया, एफ ए कट गया, क्या बचा, जे यू बचा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर देगा आर के लिए। 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 112 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 113 का क्या आंसर हो जाएगा, 113 का डी आंसर हो जाएगा, इसको पासा को है बंद करने पर डी डी जैसा बनेगा। 114 का आंसर क्या हो जाएगा, 114 का आंसर सी हो जाएगा, 115 नंबर आंसर का भी सी हो जाएगा, ठीक। आगे अभी जीके का क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे अच्छा से, ये जो है इसको वीडियो को पॉज करके आप ये सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 116 का ए आंसर हो जाएगा, 117 का भी ए आंसर हो जाएगा, 118 का सी आंसर हो जाएगा, 7732 आंसर हो जाएगा,
118 का, 119 का सी आंसर हो जाएगा 3/2, 120 का ए आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा मतलब ऑप्शन ए में बी आंसर दिया हुआ है, 121 का कि क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा 6:3:2, और 122 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 का, 122 का आंसर क्या हो जाएगा, 122 का आंसर सी हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 123 का आंसर क्या हो जाएगा, 123 का आंसर ए हो जाएगा 6 आंसर होगा, 124 का आंसर बी होगा 5 लीटर, और 125 का आंसर सी होगा 16 वर्ष, 126 का आंसर क्या होगा, 126 का आंसर हो जाएगा बी 6 लीटर, 127 का आंसर हो जाएगा सी 2, 128 का आंसर हो जाएगा सी 4 घंटे 40 मिनट, 129 का आंसर हो जाएगा सी 40,000, 129 का सी 40,000, 130 का आंसर हो जाएगा सी 40, और 132 का 100 सी हो जाएगा 37/990, और 131 का आंसर क्या हो जाएगा, 131 का आंसर डी हो जाएगा 36, 132 का आंसर क्या हो जाएगा सी 1/2, 133 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, 133 का आंसर ए हो जाएगा 6528, ठीक है, 134 का आंसर डी हो जाएगा 6:4:3, 135 का आंसर ए हो जाएगा 1/2, 136 से अब आ गया साइंस का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वो रहा ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का एक अणु O2 होता है, और ऑक्सीजन का एक जो ऑक्सीजन का एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी 32 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, अणु का जो गति है वह गैस में सबसे ज्यादा, गैस का जो मॉलिक्यूल है वह सबसे ज्यादा मतलब तेजी से ट्रेवल करते हैं, उसका द्रव का उससे कम, और सबसे कम जो है वह ठोस का अणु ट्रेवल करते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां में थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है, कौन सा वायु दाब 0.001 mm है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन जो है गलत है, तो अधातु जो है धनायन होती है ये गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धातु जो है वह धनायन नहीं होती है, अधातु धनायन नहीं होता, धातु जो होता है यह धनायन होता है, कौन होता है, धातु धनायन होता है, अधातु ऋणायन होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही, और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक्टिनाइड श्रेणी में जो 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो टीएम यानी टीएम जो है इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, टीएम का मतलब क्या हुआ, थुलियम हुआ, जो इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, जो थुलियम जो है लैक्टिनाइड ग्रुप का सदस्य है, ठीक है, किसका, लैक्टिनाइड ग्रुप का सदस्य है, लैक्टिनाइड याद रखिएगा, जो एफ ब्लॉक है उसके नीचे जो है या दो एक्टिनाइड और लैक्टिनाइड जो ग्रुप होता है, तो लैक्टिनाइड ग्रुप के अंतर्गत आता है थैलियम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिनाइड ग्रुप जो होता है इसको रेडियो एक्टिव ग्रुप एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन आपको बताना है, ठीक है, सही कथन इनमें से कौन सा है ये बताना है। बोल रहा है ठोस CO2 सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठोस CO2 जो होता है ये इसे सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, नहीं ये गलत बात है, ठोस जो CO2 होता है यह सीधे तरल रूप में नहीं बदलती है, ठोस CO2 सीधे गैस सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर, अगर 2 गलत है तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 143 नंबर है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा होती है, तो जो इसका अपवर्तनांक है ये परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 144 है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है, तो जो लाइकोपोडियम है या ट्रैकियोफाइटा के लाइकोप्सिडा उपसंघ का ग्रुप है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 145 है, दामा मानव शरीर के डैश का विकार है, श्वसन तंत्र का विकास विकार है दामा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है, आहार श्रृंखला का संगठक इनमें से कौन सा जो है वर्ग जो है यह नहीं होता है, 146 का, तो ए जो है यह पलवक मानव मछली टीडा ए, और फिर यहाँ पे भेड़िया घास सांप बाघ, ये जो है यह आहार श्रृंखला के संगठक नहीं है, तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 147 नंबर है,
एंटीबायोटिक्स के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो है यह सही नहीं है। तो यह एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो वह रोग है, उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग संहंगन पर अप्रभाव बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, ये तो सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से बनाते, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक नहीं, ये अकार्बनिक यौगिक से बनाते हैं। किसे, अकार्बनिक यौगिक से बनाते हैं। उत्पाद स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं, सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है, सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, भी सही है। 150 नंबर क्वेश्चन है, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर डैश हो जाता है, एड्स हो जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी का इलाज नहीं कराने पे होता है वह डैश, जो एड्स नामक बीमारी हो जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो है एड्स का टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे हम लोग सेट वन का टोटल 150 क्वेश्चन को हम लोगों ने कम्प्लीट किया, ठीक है। जो नेक्स्ट सेट 2 आएगा ये कल आएगा, और आप लोग इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।